So it was God formed in a man called a prophet. See? इसलिए ये परमेश्वर था, मनुष्य बना, भविष्यद्वक्ता कहलाया, समझे? And the word of the Lord came to this man, so it wasn't the prophet was the veil, but the word was God. और प्रभु का वचन इस मनुष्य के पास आया, इसलिए ये भविष्यद्वक्ता नहीं था, भविष्यद्वक्ता पर्दा था, परंतु वचन परमेश्वर था. The man's word won't act like that. मनुष्य का वचन इस प्रकार कार्य नहीं करेगा. See what I mean? It cannot act in that manner. देखा, मेरा क्या अर्थ है, ये उस प्रकार से कार्य नहीं कर सकता. But potentially it was God. See, he was the word of God in the form of a man, called a man. परंतु वो संभावित परमेश्वर था. देखा, वो मनुष्य के रूप में परमेश्वर का वचन था, एक मनुष्य कहलाया. Notice, he never changed his nature, only his form. ध्यान दें, उसने कभी भी अपना स्वभाव नहीं बदला, केवल अपना रूप. Hebrews 13:8 said he's the same yesterday, today and forever. इब्रानियों 13:8 में कहा, वो कल, आज और सर्वदा एक सा है. So he did not change his nature when he came. He is always that prophet. All down through the age. Same thing. The word. The word, the word, the word. See? इसलिए उसने अपना स्वभाव नहीं बदला. जब वो आया, वो सदा से वो भविष्यद्वक्ता था. सारे युगों में होता हुआ वही चीज, वचन, वो वचन, वो वचन, वो वचन, समझे? He cannot change his nature, but he changed his form. वो अपना स्वभाव नहीं बदल सकता, परंतु उसने अपना रूप बदला. Hebrews 13:8 said he's the same yesterday and forever. इब्रानियों 13:8 कहा कि वो कल, आज और सर्वदा एक सा है. He's changed his mask. उसने बस अपना मुखौटा बदला. Like I change from husband when my child is born, then I'm father. जैसे कि मैं पति से बदला, जब मेरा बालक उत्पन्न हुआ तब मैं पिता हुआ. When my grandchild is born, I'm grandfather. See? जब मेरा पोता उत्पन्न हुआ तो मैं दादा हूँ, समझे? But I don't change, I still me. See? परंतु मैं नहीं बदलता, जो कि मैं अब भी मैं वही हूँ, समझे? And that's God. और ये परमेश्वर है. But just to change my, see, it's just change your form. See? ये केवल मैं अपना बदला. देखिए, ये केवल आपका रूप बदलता है, समझे? Now, and nature changes it down from a young man to a middle age to an old man in their yard. See, you change your form. ध्यान दें, और स्वभाव इसे बदलता है, युवा से अधेड़, फिर बूढ़ा मनुष्य, और आप हैं. आप देखिए, आप केवल अपना रूप बदलते हैं. Now, you couldn't say a little fellow stood up here 16 years old, say he was grandfather. आप एक जो छोटा लड़का यहाँ खड़ा है 16 वर्ष का, मान लीजिए वो दादा था. It couldn't be. His form has to be changed. वो नहीं हो सकता, उसका रूप बदलना है. A few years changes it, then he becomes grandpa. See what I mean? कुछ वर्ष उसे बदलते हैं, तब वो दादा बनता है. देखा मेरा क्या अर्थ है? But it's the same person all the time. The same person, God all time. परंतु सारे समय वो एक ही व्यक्ति है, परमेश्वर सारे समय एक ही व्यक्ति है. In this way, He reveals himself to his people in doing this. इस प्रकार से वो स्वयं को अपने लोगों पर प्रकट करता है ये करने में. Notice, through the age of the pillar of fire, he revealed himself to his people. ध्यान दें, अग्नि स्तंभ के युग से होते हुए उसने स्वयं को अपने लोगों पर प्रकट किया. In the age of Jesus, he revealed himself to his people. यीशु के युग में उसने स्वयं को अपने लोगों पर प्रकट किया. In the age of the Holy Spirit, a son of God, son of David, he always reveals himself in that manner to his people, making the people to know him. पवित्र आत्मा के युग में परमेश्वर के पुत्र की तरह, दाऊद का पुत्र, वो सदा स्वयं को उस रीति से अपने लोगों पर प्रकट करता है, लोगों को स्वयं को जानने देता है. He's veiled behind something. Notice in the same way or same nature every time. वो किसी चीज के पीछे छिपा है. ध्यान दें, उसी प्रकार से या उसी स्वभाव में हर बार. God veiled in Jesus to do the work of redemption at the cross. परमेश्वर यीशु में छिपा था कि क्रूस पर छुड़ाने का कार्य करे. God could not die as a spirit. He's eternal. परमेश्वर आत्मा के रूप में मर नहीं सकता, वो अनंत है. But he had to put on a mask and act the part of death. परंतु उसे एक मुखौटा पहनना था और मृत्यु के भाग को अभिनय में करना था. He did die,
But he couldn't do it in his God form. He had to do it in son form, as son of man on earth. See? वो मरा, परंतु वो इसे परमेश्वर के रूप में नहीं कर सका। उसे ये पुत्र के रूप में करना था, मनुष्य के पुत्र के रूप में पृथ्वी पर, समझे? He had to be son form. Then when he returned on Pentecost, he was son of God again. See what I mean? Get the idea? उसे पुत्र का रूप धारण करना था। तब जब वो पेंटिकॉस्ट पर वापस आया, वो फिर से परमेश्वर का पुत्र था। देखा मेरा क्या अर्थ है? विचार समझ में आया? He had to come into human flesh, and no body, no sexual desire. उसे मानव देह में आना था कि कोई भी कोई यौन इच्छा नहीं। Because that proves again our statement of the serpent seed. See? Sexual. Absolutely sex. क्योंकि ये फिर से हमारी बात को सर्प वंश को सिद्ध करता है। देखिए यौन संबंधी पूर्णतः कामुकता। Not apples. Sex. Amen. That had to be. सेव नहीं लैंगिकता। ये बात ठीक है, यही होना है। Notice here. See, for any good man, look at those prophets back there. But he had to be more than a prophet. यहाँ ध्यान दें, देखिए किसी भी भले मनुष्य उन भविष्यद्वक्ताओं को देखिए पीछे की ओर, परंतु उसे भविष्यद्वक्ता से बढ़कर होना था, समझे? And all do that he had to come virgin birth, showing that virgin birth proved he had to be born virgin birth to take the curse off, the antidote. ये करने के लिए उसे कुंवारी से जन्म लेना था। ये दर्शाते हुए कुंवारी से जन्म लेना सिद्ध हुआ। उसे कुंवारी से जन्म लेना था ताकि श्राप को अलग कर सके, विपरीत। See what I mean? देखिए मेरा क्या अर्थ है? So it had to be sex. He proved it in his own coming. He come not in sexual desire, but through virgin birth. इसलिए इसे लिंग संबंधी होना था। ये उसने अपने आगमन में सिद्ध किया। वो यौन इच्छा के द्वारा नहीं आया, परंतु कुंवारी से जन्म के द्वारा आया। And he changed his mask from Jehovah to Jesus in order to take the redemptive work in the drama that he's acting out in God at the cross. और उसने अपना मुखौटा यहोवा से यीशु में बदल दिया ताकि नाटक में छुटकारे के कार्य को कर सके जो वो परमेश्वर में होकर क्रूस पर कर रहा था। The Greeks wanted to see. यूनानी उसे देखना चाहते थे। In St. John 12:20, many of you heard me preach on that. Saying, sirs, we would see Jesus. Did you notice that? संत यूहन्ना 12:20, आप में से बहुत सोने इस बात पर प्रचार करते सुना होगा, श्रीमान हम यीशु से मिलना चाहते हैं। क्या आपने इस पर ध्यान दिया? Now the Greeks were scholars. They were great men. अब यूनानी लोग विद्वान थे, वे महान पुरुष थे। They had a great feeling for God as Paul preached to them on Mars Hill. और उनमें परमेश्वर के प्रति महान भावना थी, जैसा कि पौलुस ने उन्हें मार्स पहाड़ पर प्रचार किया। And they led the world in science and education. They were great people. और वे थे, उन्होंने संसार की विज्ञान में अगुवाई की है और शिक्षा में वे महान लोग थे। But they worshipped and believed in mythology and so books of art, curious arts and so forth. परंतु वे आराधना करते और पौराणिक कथाओं पर विश्वास करते थे और इस प्रकार से साहित्य पुस्तकें और विचित्र कलाएं और आदि आदि। But they got stirred up about this man who could heal the sick and could foretell things that happened to the dying. परंतु वे इस मनुष्य के विषय में बेचैन हो गए जो बीमारों को चंगा करता था और आने वाली बातों को पहले से ठीक ठीक बता सकता था। And they got stirred up so they calmed the scene. Now watch close now. Don't miss this. और वे बेचैन हो गए, इसलिए वे अब उसे देखने आए। अब ध्यान दें, इसमें चूके नहीं, समझे? And they come and they said to Philip, which was the Bethesda, sir, we would see Jesus. और वे आए और फिलिप्पुस से बोले, जो कि बेतसैदा का था, श्रीमान हम यीशु से मिलना चाहते हैं। And Philip and another disciple brought him to Jesus to see Jesus. और फिलिप्पुस और दूसरे चेले उसे यीशु के पास लाए कि यीशु को देखे। Now notice the very words that Jesus reported back to him. For they come to see who he was and they could not see him. अब ध्यान दें, हर वचन जो यीशु ने उन्हें फिर से बताए, क्योंकि वे देखने आए थे कि वो कौन था और वे उसे ना देख सके।
They've seen the form, but he was in his temple. उन्होंने उसका रूप देखा, परंतु वो अपने मंदिर में था. God was in his temple, veiled in human flesh. परमेश्वर अपने मंदिर में था, मानव देह में छिपा हुआ. Notice the words he said, except the corn or wheat falls into the ground. See? And that, it abides alone. See? उन वचनों पर ध्यान दें जो कि उसने कहे, जब तक गेहूं का दाना भूमि में नहीं गिर जाता, देखिए, और मर नहीं जाता, वो अकेला रहता है, समझे? The hour has come, it'll soon be, that the Son of Man be glorified. See? And he must pass from this earth. And except this hour comes, you'll never be able to see it. See? वो घड़ी आ गई है, ये जल्द ही मनुष्य का पुत्र महिमा पाएगा, और उसे इस पृथ्वी पर से जाना ही होगा, और जब तक वो घड़ी नहीं आती, आप इसे कभी नहीं देखने पाएंगे, समझे? Why couldn't they see Jesus? He was masked. God was masked. यहाँ वे यीशु को क्यों न देख सके? वो मुखौटा लगाए हुए था. परमेश्वर मुखौटा लगाए हुए था. The Greeks wanted a God, and here he was. But they couldn't see him because of the veil. यूनानियों ने परमेश्वर को चाहा, और वो यहाँ पर था, परंतु पर्दे के कारण वे उसे ना देख सके. That's the same thing today. They can't see him because of the veil. It's over their face. और आज वही बात है, वे पर्दे के कारण उसे नहीं देख सकते, ये उनके मुख पर है. These Greeks were masked, or Jesus was masked to these Greeks. ये यूनानी मुखौटा पहने हुए थे, या यीशु इन यूनानियों के लिए मुखौटे में था. He said to them, except this corn of wheat falls into the ground, it abides alone. ध्यान दें, उसने उनसे कहा, जब तक ये गेहूं का दाना भूमि में नहीं गिर जाता, वो अकेला रहता है. They couldn't understand how, why, that they couldn't see. वे नहीं समझ सके कि कैसे, वे क्यों नहीं उसे देख सके. There stood a man. They come to see God and they seen a man. See? वहाँ एक मनुष्य खड़ा था, वे परमेश्वर को देखने आए, और उन्होंने मनुष्य को देखा, समझे? They couldn't see God because God was veiled to them. वे परमेश्वर को नहीं देख सके क्योंकि परमेश्वर उनके लिए छिपा हुआ था. Now keep that on your mind. God was veiled in a man. अब इसे अपने मस्तिष्क में रखें. परमेश्वर मनुष्य में छिपा था. They could say no man could do these works except it be God. No man could do it. And how here stands a man. And yet the works of God is manifested through him. वे कह सकते थे, सिवाय परमेश्वर के कोई मनुष्य इन कामों को नहीं कर सकता. इसे कोई मनुष्य नहीं कर सकता. और कैसे यहाँ एक मनुष्य खड़ा था और तो भी परमेश्वर के कार्य उसके द्वारा प्रकट हुए. See, they couldn't understand that God was veiled. देखिए, वे ये नहीं समझ सके कि परमेश्वर पर्दे में छिपा हुआ है. He's veiled in a man, as he always was veiled. वो मानव पर्दे में हो गया जैसे कि वो सदा से पर्दे में था. But he was veiled unto them. He was in his human temple. God was in a human temple. परंतु वो उनके लिए छिपा हुआ था. वो मानव मंदिर में था. परमेश्वर मानव मंदिर में था. Be real careful. Now he's the same yesterday, today and forever. अब वास्तव में ध्यान रखें. अब वो कैसे कल आज और सर्वदा एक सा है, देखा? God veiled, hiding himself from the world, veiled in human being. परमेश्वर पर्दे में स्वयं को संसार से छिपा रहा है, मानव जाति के पर्दे में है, समझे? Here was God, those Greeks said, we would see. यहाँ परमेश्वर था, वे यूनानी कह रहे थे, हम उसे देखना चाहते हैं. Jesus said, a corn of wheat has to fall and die. और यीशु ने कहा, गेहूं के दाने को गिरना और मरना है. You have to die to all your ideas. You have to get out your own thoughts. आपको अपने सारे विचारों में मरना है. आपको अपने विचारों से बाहर निकलना पड़ेगा. Like those disciples was, they couldn't explain about eating his body and drinking his blood. But see, they done died to those things. जैसे कि वे चेले थे, वे उसकी देह के खाने की व्याख्या नहीं कर सकते थे और उसके लहू को पीने की. परंतु देखिए, परंतु वे उन बातों के लिए मर चुके थे. They were dead to a principle. They were dead to Christ. वे सिद्धांतों के लिए मर गए थे. वे मसीह के लिए मर गए थे. No matter what it is, how much defeat looked like it, they still believed it anyhow. कोई मतलब नहीं ये क्या है, या
ये कितना हारा हुआ सा प्रतीत हो रहा है, उन्होंने जो भी है तब भी इसका विश्वास किया, समझे? They could see in that man, a man that eat, drank, fish, slept, everything else, was born here on the earth and walked with them, talked with them, wore clothes like the rest of them, but that was God. वे इस मनुष्य में देख सकते थे एक मनुष्य जो खाता पीता, मछली पकड़ता, सोता, हर बात इस पृथ्वी पर जन्मा और उनके साथ चला, उनके साथ बातचीत की, उन बाकी लोगों के समान कपड़े पहने, परंतु वो परमेश्वर था। So the Greeks couldn't see him because he was hid from them in a human being. इसलिए यूनानी उसे देख ना सके क्योंकि वो मानव जाति में उनसे छिपा हुआ था। Notice his word to them, except this corn of wheat falls in the ground. ध्यान दे, उसके वचन उनको, जब तक गेहूं का दाना भूमि में नहीं गिर जाता। God veiled in the form of a man, hid himself from their view. They could only see a man, but those predestinated seen God. परमेश्वर मनुष्य के रूप में पर्दे में था, स्वयं को उनकी दृष्टि से छिपा लिया। वे केवल एक मनुष्य को देख सकते थे, परंतु उन पहले से ठहराए हुओं ने परमेश्वर को देखा। One saw a man, the other saw God. एक ने मनुष्य देखा, दूसरे वाले ने परमेश्वर देखा, समझे? And it was God veiled in a human being, making both of them right. But your faith in that, what you don't see, you believe it anyhow. God veiled in a human being. और ये परमेश्वर मनुष्य के पर्दे में है और दोनों को ठीक बना रहा है, परंतु उसमें आपका विश्वास, जो आप नहीं देख सकते, आप विश्वास करते हैं जो भी है, परमेश्वर मनुष्य के पर्दे में है। He was in that flesh, and that flesh was his veil. वो उस देह में था और वो देह उसका पर्दा थी। The veil was rent, that God might be made manifest. पर्दा फट गया था, देखिए, ताकि परमेश्वर प्रकट हो सके।